आज ये वीडियो बनेगी कॉमनेस्ट इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी पोहे के ऊपर। इतने सारे YouTube वीडियोस के बावजूद भी काफ़ी लोग पोहे को सही तरीके से बना नहीं पाते हैं। आज मैं इस वीडियो में पोहा कैसे मैं बनाती हूँ वो दिखाने वाली हूँ विथ ऑल द टिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और आपके अपने चैनल सॉल्ट एंड टर्मरिक को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, सॉल्ट एंड टर्मरिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्रेकफास्ट रेसिपी पोहा। तो देखिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स सभी तैयार कर लिए हैं। ये सारे वेजिटेबल्स मैं डालने वाली हूँ। अगर आपको इतना सारा नहीं डालना है वो आपकी चॉइस है। तो मैंने मूंगफली भी ले लिया है, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। देखिए मैंने इस कटोरी में पोहा ले लिया है, आपको जितना बनाना है आप ले लीजिए। मैंने डेढ़ मग, मतलब मेरा जो कप है वो काफ़ी बड़ा है, कॉफ़ी मग की तरह है। और देखिए मेरा जो पोहा है वो रेड राइस पोहा है और ये थिक पोहा है, आपने नोटिस किया? तो ये मीडियम वाला नहीं है, ये बिल्कुल थिक वाला पोहा है। तो इसको हम दो बार पानी में धो लेंगे, उसके बाद इसको घड़ी देके 5 मिनट के लिए सोख करके रख देंगे। फिर उसके बाद वो पानी ड्रेन आउट करके एक छलनी में रख देंगे और उसका जो पानी है उसको बह जाने के लिए नीचे एक कटोरी देके हम उसको रख देंगे। बट मीडियम पोहा के लिए ये 5 मिनट्स का सोकिंग पीरियड ज़रूरी नहीं। अभी देखिए हम अपना कुकिंग शुरू कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम करके इसमें थोड़ा बहुत तेल ले लिया है और मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। पोहे में मूंगफली बिल्कुल डालिए, वो बहुत ही लाजवाब एक कॉम्बिनेशन है। और वेजिटेबल्स में आप आलू डालने की कोशिश कीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है पोहे के साथ। अगर और कुछ नहीं चाहिए तो आप आलू बिल्कुल डालिए। देखिए मैंने इसमें टेम्परिंग किया है राई और जीरा के साथ। तो ये थोड़ा सा गरम हो जाने के बाद, ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ और ये जो अदरक और हरी मिर्च भी मैं डाल दूँगी। अदरक तो बिल्कुल बनता ही है इसमें, अदरक का फ्लेवर पोहे में बिल्कुल चाहिए। और ये अदरक को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर पत्ता गोभी डाल रही हूँ। आप पत्ता गोभी चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो नहीं डालिए, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसी टाइम पे अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज काफ़ी सारा डाल दीजिए। और प्याज को पूरा ब्राउन होने तक फ्राई मत कीजिए, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, लेकिन कैबेज को थोड़ा सा ब्राउनिश बनाना ज़रूरी है। अभी मेरा जो कैबेज है ये ब्राउन हो गया है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया, इसलिए मैंने इसमें आलू डाल दिया है। थोड़ा नमक हम डाल देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए और इसको हम फ्राई करते रहेंगे तब तक जब तक कि हाफ डन ना हो जाए। जब आलू हाफ डन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें कैरेट डाल दूंगी, थोड़ा हिला के इसको मैं कवर कर दूंगी 2-3 मिनट के लिए। तो कैरेट पकने में उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है? तो देखिए अभी कैरेट भी पक गया है ऑलमोस्ट। अभी मैं इसमें थोड़ा बहुत कैप्सिकम डाल दी और देखिए ये कुछ हरी मिर्च मैंने स्लिट डाल दिया है, इसके डंठल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको स्लिट नहीं मारेंगे तो ये फट के एक्सीडेंट हो सकता है, आँख वाँख में लग सकता है। तो इसको हम जिस तरह से पकाते हैं उसी तरह से हम पकाएंगे। और ये देखिए ये जो कड़ी पत्ता है ना, मैं तेल में डालना भूल गई थी। आप जब फोड़न डाल रहे हैं ना तभी का तभी डाल दीजिए, मैं भूल गई थी बिल्कुल। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीनी। मेरा जो चम्मच है वो मसाला चम्मच है, इसीलिए मैंने 3-4 बार डाला है। आप हाफ चम्मच के करीब डाल सकते हैं, इसमें मिठास बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने किशमिश भी डाला है मिठास के लिए, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते। तो देखिए मैंने सारा फ्राई कर लिया है अच्छे से, ये सब बन गया है हमारा जो पोहे का मसाला। अभी मैं ये जो मिर्चे मैंने डाले थे वो मैं निकाल। ये मिर्चे पोहे के साथ ऐसे ही साइड में खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी देखिए ये जो पोहा है बिल्कुल फूल गया है और सेट हो गया है। देखिए कितना खिला खिला सा है।
और ये फूल भी गया है अच्छे से। अभी हम इसको मिला देंगे मसाले, पोहे के मसाले के साथ हम मिला देंगे, और जो मूंगफली डाला था वो डाल देंगे, और हरी धनिए के पत्ते को हम हाफ डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, हाफ डालेंगे और हाफ लास्ट में डालेंगे। इसको हम 2-3 मिनट के लिए थोड़ा बहुत पकाएंगे, इधर उधर करेंगे, थोड़ा स्टर करेंगे, और हमारा आँच इस टाइम पे लो मीडियम होना चाहिए। पोहा डालने के बाद हमें थोड़ा बहुत नमक डालना ज़रूरी है, नहीं तो पोहे में नमक की टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए हमारा पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और इसको हम कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। अगर आप ये कवर नहीं करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, हम अगर कवर करेंगे तो ये और भी फूलेगा, इसको पकाने के बाद ना ये फिर से फूलेगा, आप देखना 10-15 मिनट के बाद वो और भी फूलेगा, और वेजिटेबल्स का जो जूस है, जो टेस्ट है, वो पोहे के अंदर चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पोहा ड्राई नहीं होगा, वो एकदम मॉइस्चर फिल्ड जूसी जूसी बनेगा, एट द सेम टाइम ये बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा, चिपचिपा नहीं बनेगा। तो कुछ कुछ लोगों का क्या होता है, जब हम खिला खिला बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाने के बाद इसको कवर करके रखते हैं तो ये ड्राई नहीं होता है। बाय चांस आपका पोहा अगर आपको लगता है कि काफ़ी ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी छिड़का दें और एकदम लो फ्लेम में कवर करके रख दीजिए कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, फिर आप ऑफ़ करके उसको कवर करके रख दीजिए, तो आपका पोहा बिल्कुल जूसी बन जाएगा। ये वही फ्राइड मिर्चे हैं, मैं यहाँ पे रेड राइस पोहा यूज़ कर रही हूँ, उसका कलर काफ़ी ब्राउनिश होता है तो इसीलिए मैंने हल्दी नहीं डाला है। आप अगर वाइट राइस पोहा यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल डालें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।